हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम सुनकर आप बेहद एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि अरसे बाद, लंबे अरसे बाद वो पर्दे पर नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुष्मिता सेन की, जो आर्या वेब सीरीज में धूम मचा रही है, और उनके डायरेक्टर यानी आर्या के डायरेक्टर राम माधवानी साहब की। लेट्स वेलकम सुष्मिता सेन एंड राम माधवानी। सुष्मिता एंड राम, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। आई विल बिगिन विद सुष्मिता। यू नो सुष्मिता, आप फिल्मों के लिए मना करती हैं, फिर ओटीटी के लिए एक वेब सीरीज के लिए हामी कैसे दी? क्योंकि अच्छे काम से मतलब है, फॉर्मेट से नहीं। यानी जितनी शर्तें रखी जा रही थी, the terms used like woman centric, budget of a woman centric, should we experiment, will it be acceptable, that kind of conversation, because I've been in this business 26 years, I'm tired of. I needed some audacious people, I needed a new mindset, aur mujhe kuch progressive karna tha apni life mein my vocation. So जब मुझे राम माधवानी से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने जब आर्या सुनी पहली दफा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था अगर हम YouTube पे बना रहे थे ये, you know, because that's where the hunger was, that I wanted to come back with something that inspired the living daylights out of me. कि मुझे सुबह सुबह उठ के, और इन्होंने बहुत सुबह सुबह उठाया है मुझे और कंटिन्यूसली, हाँ, जयपुर, मुंबई, जहाँ पे भी, और मुंबई में भी क्या है, क्या हम बांद्रा में रहने वाले लोग हैं, पालघर कौन लेके जाता है शूटिंग के लिए? राम लेके जाते हैं। क्यों? हमें वो वाली लाइट पकड़नी है, तो हम सब भाग रहे हैं सुबह सुबह कि हमें वो वाली लाइट पकड़नी है। दूसरे सब लोग यू नो, हम लेके जाते हैं गोरेगांव, दूसरे सब लोग लेके जाते हैं गोरेगांव। गुड वन। बट सुष्मिता, इसका ये मतलब है कि फिल्मों में आपको ऐसी चीजें ऑफर होना बंद हो गई थी? बिल्कुल बंद हो गई थी, और जो आ रही थी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव थी और बहुत ज्यादा स्टेट थी और बहुत ज्यादा अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले मदर। वेल, विद आर्या आई प्ले अ मदर ऑफ थ्री प्राउडली, यू सी, दैट्स द डिफरेंस। गिव मी समथिंग टू डू, लेट मी एक्सप्लोर व्हाट आई कैन, एंड टुडेस टाइम एंड एज, यू नो दिस बेटर देन एनीवन, हम लोग देर आए दुरुस्त आए, लेकिन टाइम, यू नो, इट वॉज टाइम फॉर अस टू जस्ट नॉट से ये औरत का किरदार है या आदमी का किरदार है, इट्स जस्ट अ पावरफुल कैरेक्टर, और जय नसीब के उसको हेल्म कर रही है एक औरत। दैट्स द ओनली। क्या बात है राम, पर्दा तो छोटा है, फिर भी आपने एक इतनी बड़ी कलाकारा को अप्रोच करने की सोची कैसे? जी, व्हाट हैपेंड वाज के आई हैड वर्क विद सुष्मिता अर्लियर, बहुत सालों पहले, एंड व्हेन वी वर लुकिंग एट के किसको अप्रोच करूं, तो वी वेंट एंड मेट सुष्मिता। तो पहली दफे जब सुष्मिता सेन से मिले, तो ऑब्वियसली इट इज द सुष्मिता सेन, तो थोड़ी तो ऐसा, इवन दो आई हैड मेट हर, बट इवन देन, बिकॉज शी इज ऑलवेज वेरी वार्म, बट इवन देन यू डू गेट डॉन्टेड, राइट? यू से, एंड ऑल्सो यू आर स्केर्ड एज अ डायरेक्टर, एज अ को क्रिएटर, यू आर स्केर्ड बिकॉज द एक्टर हैज द पावर टू से नो टू यू। एंड सुष्मिता, जब मैंने कहा कि ये ऐसे हमारी कहानी है, थैंकफुली शी हैड सीन नीरजा, शी हैड लाइक नीरजा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सॉरी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी हर्ड इट एंड शी वाज जंपिंग विद जॉय, शी सेड यस, मुझे करनी है। तो मुझे लगा, जेन्युइनली कोमल जी, मुझे लगा कि दो दिन के बाद डेफिनेटली मैनेजर या लॉयर से फोन आएगा कि सुष्मिता लव्स यू, but she does not want to do it, because itni achhi acting usne ki, but you know what, she was genuine, and now that I have worked with her, I realize Sushmita gives it to you straight. Usi din we knew that she's going to say yes, and I'm so, because you know kya hota hai, green light ka power actually actor mein hota hai, director mein nahi hota. When she said yes, everything happened. It's thanks to her that this happened. और सुष्मिता, आप हमेशा ऐसी ही रही है ना, जो है बोल दो, गोल गोल घुमाने की जगह स्पष्ट शब्दों में बोल दो, am I right? शब्दों में। देखिए, मुझे मेरी ये वाली जो क्वालिटी है बहुत लोगों को ना पसंद है, बट दैट्स ओके,
इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी इज मेजर्ड इन टाइम, राइट? यू हैव सो मच टाइम इन अ लाइफ टाइम. आप डिप्लोमेसी पकड़ लो, घुमाना पकड़ लो, बात को इधर से उधर तक लेके जाके फिर बोलना, ये जो तरीके हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिसरिस्पेक्ट आई कैन शो टू समवन्स लाइफ टाइम. यू नो द टाइम दैट अ पर्सन हैज, तो उनकी लाइफ अटक गई है, आप घुमा रहे हैं, ये मुझसे नहीं होता है. मैं हमेशा दिल से हाँ कहती हूँ या ईमानदारी से मना कर देती हूँ, और वो मना करने की वजह से भी मेरा बहुत नाम खराब है, लेकिन चलेगा. मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि मुझे पता है मैंने आज तक 26 साल में कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आर्टिस्ट एक्टिंग के साथ साथ टाइम वेस्टिंग के लिए बहुत मशहूर होते हैं. मेरे पास इतना वक्त है नहीं. कोमल जी, टाइम लाइक आई टोल्ड यू 6:08 मैंने कहा, डोंट वरी कोमल जी, सुष्मिता हैज सेड 6:10 शी'ल बी हियर बिफोर. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला बिकॉज शी इज रिस्पेक्ट्स टाइम. जब पहले दफे मैंने आई मेट हर, इट वॉज 4 o'clock, 2 to 4 शी वॉज देयर. And this is one of the rare qualities that I'm not kept waiting, and she doesn't keep people waiting. Shortcut time, you know, hai, it works to schedule. Super. But you know, aapne kaha, I'm so sorry. आपको बात करने का मौका दिया जाएगा 5 मिनट. नहीं, ये ऐसा लगता है हम म्यूचुअल अप्रिसिएशन सोसाइटी है, मगर जहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है जरूरी है. हर वो एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री जिन्हें काम करना अच्छा लगता है, इंतजार करना नहीं. राम माधवानी इज मेड फॉर पीपल लाइक दैट एज एक्टर्स. मैंने जब उनसे आके कहा कि देखिए सर, मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मैं अपनी लाइफ कंपार्टमेंटलाइज करती हूँ कि ये बच्चों के फंक्शन है, यहाँ मुझे जाना है, ये अभी शूटिंग करनी है, यहाँ पढ़ाई करना है, जो भी है. तो अगर आप मेरे से एक शिफ्ट लेते हैं सर, तो मुझे, मैं टाइम पे आऊंगी, मुझे टाइम पे छोड़ दीजिएगा. दिस वॉज माई ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैड थ्रू आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. You won't believe, वक्त से पहले खत्म हो जाता था. क्या बात. Not funny to do 8 hours of content and 58 days of shooting and not a single day where we went ahead of time. And that's saying something about punctuality. Superb, superb. और जैसा राम ने कहा ना कि सुष्मिता respects time, शायद इस वजह से ही time ने भी आपकी बहुत कदर की है, बहुत respect किया है. 26 साल बाद भी आप उतनी ही खूबसूरत हैं और आप उतना ही टैलेंट उमड़ उमड़ कर छोटे पर्दे पर नजर आ रहा है. तो मुझे ये बताइए, टैलेंट को कभी जंग नहीं लगता ना? ये इस कदर का टैलेंट है जो रियल लाइफ को इमिटेट करती है. अब रियल लाइफ में जितना लंबा आप जीते हो, जितनी गहराई से जीते हो, वो टैलेंट उभरता ही रहता है, क्योंकि यू आर एक्सप्रेसिंग व्हाट यू लर्न्ड, व्हाट यू फेल्ट. यही चीज आप मुझसे 18 साल की उम्र में कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं निकलता. जिंदगी कम देखी थी, अब जिंदगी ज्यादा देखी है. In fact, I would say, sir, that more and more Sushmita Sen is next gen talent, is what I would say. पता क्या कहते हैं? कहते हैं आरू, आदि, वीर एंड आर्या, नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट. बट राम, मुझे ये बताएं कि जब आप ये फिल्म, ये वेब सीरीज का सोच रहे थे, नीरजा आपने एक वुमन प्रोटैगनिस्ट की कहानी बनाई थी, तो आपको ऐसे लगा कि वुमन प्रोटैगनिस्ट के साथ ही मैं अगर वेब पर भी कुछ करूं, यू फाउंड योर ग्रूव इन दिस जॉनर, ऐसा लगता जी है? नहीं, इट जस्ट हैपेंड. जी, मैं सुबह उठता हूँ, मुझे लगता है वुमन सेंटर की आज करते हैं यार. No sir, it's not like that sir. It's just that Penosa was a show, duck show, तो 9 साल पहले जब हमने देखी, नीरजा के पहले से मुझे ये बनानी थी. It just so happens अभी मेरी next film, yeah. तो 9 साल से ये हमने कोशिश की. अमिता, my co-producer, my wife on Ram Advani films, we've been trying to make this for many years. And so it's not because I wanted to make her. I think that it's wrong to say that I make women-centric films. I just make strong character films, sir. So yes. It so happens that they're women. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. The man of good taste. सही बात है सुष्मिता. फ्रॉम अ वाइफ टू अ मदर टू एन अवेंजिंग एंजल,
इस किस्म का आपका किरदार है? की लिख लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, अवेंजिंग एंजल, नया तरीका है। हाँ तो ये तब्दीली, ये चेंज माइंड में होता है या फिजिकल अपीयरेंस में होता है? आई वॉन्ट टू आंसर दैट सुष्मिता, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। वो जो केप से होता है सर, वो केप पहनते हैं अवेंजिंग अवेंजिंग एंजल का केप से होता है, और फिर वो उड़ के ऐसे वो आई ना सर, वो स्लो मोशन में, और ऐसा उसने पोज दिया, तो उससे होता है अवेंजिंग एंजल। सॉरी, गो अहेड। आप बोल रहे हैं, बात की गहराई को समझ रहे कि नहीं? सॉरी सुष्मिता, गो अहेड। A big shout out to Thea, who's done all the costumes and styling of all of Arya. Kamal ka kaam kiya hai unhone. Unki jo ye percept, ye jo look unhone Arya ko diya hai. अरे बता नहीं सकती अभी, क्राइम थ्रिलर है ना, मैं बोल रही हूँ पहले और उसके बाद, सॉरी बता सकती, डांट पड़ेगी, पर यू नो आपने देखी है तो देर इज अ फैमिली ऑफ कलर्स इन ह्यूज टिल वन पॉइंट इन आर्या and then it shifts and changes to another. In fact, ये देखने लायक है, जो जो details आप लोगों ने पहली दफा miss की है, there is a reason for all of it to be there. So Thea, big shout out to her and her entire team. ये सारे capes उन्हीं ने बनाए हैं actually. This was her. लेकिन आपके mind में भी एक change लाना जरूरी था, वो कैसे लेकर आई आप? देखिए मैंने ये हमेशा सुना था कि अगर आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो सच के पास रहिए, जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उसको उतना कम रिलेटेबल हो जाएगा। ये सुना था मैंने, बहुत अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है, ये पुलिस इंटरोगेशन में भी इस्तेमाल होता है, स्टे क्लोज टू द ट्रूथ। लेकिन ये पहली दफा है कि एक निर्देशक ने पूरे टीम के साथ ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मेरी लाइफ में कि आप जैसे कि एग्जाम्पल आर्या जब लिखी गई थी उसमें वो सोचने के लिए स्विमिंग करती है, शी स्विम्स इन हर पूल, यू नो, मैंने कहा मुझे स्विमिंग आती है सर, बट मैं ना जिम्नास्टिक रिंग्स पे सोचती हूँ, विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड, लेट्स ब्रीथ टू चूज। और उसके बाद देयर वर सो मेनी टाइम्स, लाइक हर चीज की एक आंख होती है, एक ग्राफ होती है, और हम जब एज एन इंडियन ऑडियंस सोचते हैं कि एक कमजोर औरत धीरे धीरे ताकत उसे मिलती है और फिर जाके वो अपने पैरों पे खड़ी होती है, दैट्स वन ग्राफ, एंड अ ग्राफ दैट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट इन द इंडियन सिनेरियो। बट सर दम चाहिए होता है लिखने वाले में भी और निर्देशक में भी और पूरे टीम में भी, के कहे कि नहीं क्यों भाई, हम ताकत से शुरू करेंगे, वो कमजोर औरत है ही नहीं, वो चीजें कमजोर बना देती है, फिर वो वापस लौटती है टू हर बेसिक डीएनए। फैंटास्टिक। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जहां पर इट्स बीन केप्ट सो रियल कि नमित दास इज बीइंग नमित दास, ही हैज दिस साइड टू हिम, यू नो, हिना जो सुगंधा इज लाइक दैट इन सो मेनी वे, माया इज लाइक दैट इन सो मेनी वे, चंद्रचूड़ सिंह इज एग्जैक्टली लाइक दैट इन रियल लाइफ, उनको शॉट के बीच में अकेले छोड़ दो गाना गाना शुरू कर देते हैं। सो दे हैव एक्चुअली केप्ट इट क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ, व्हिच इज व्हाई यू फील लाइक अरे हम तो वहीं बैठ के साथ में मिलके देख रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं देख रहे। सो दैट्स ऑल। I have to say this is also because of my co-creator Sandeep Modi, Vinod Rawat, our co-director, our writer Sandeep Srivastav, Anu Singh Chaudhary, because of this whole team, and obviously we had 23 actors who were all what amazing ensemble acting led by the woman I no longer call Sushmita, I only call her Arya. Arya. I really love this name and I love this character. Sushmita ki abhi jab humne kaha ki bhai series ka naam Arya hoga, suddenly contract mein likha hai agar Arya nahi hoga series ka naam to main nahi karungi. अच्छा ये fascination हो गया इस नाम से। मैंने इनसे पहली दफा कहा जब मैंने आर्या पढ़ा स्क्रिप्ट के ऊपर, वो पहला लुक देखा राजस्थान का, I still remember with the name. I looked at him and I said, sir, forget what's inside. Just looking at this, I'm in love with it. आर्या के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना प्यार है।
when you listen to that name, that I really, if I wasn't called Sushmita, I would want to be called that. Lovely, lovely. मुझे ये बताइए, इस वेब सीरीज के लिए जितनी आपकी तारीफ हो रही है, फिल्मों में कौन सी फिल्म याद आती है जब इतनी तारीफ हुई थी आपकी? देखिए, तारीफ और क्रिटिसिज्म का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है. सो आई डोंट टेक बोथ ऑफ देम टू मच टू हार्ट. व्हाट आई टेक टू हार्ट इमेंसली इज हम जिस मीडियम में काम करते हैं, हमारी हमारा डिजायर एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन टू मेक दिस, टू क्रिएट दैट असाइड, द फाइनल वर्डिक्ट, द फाइनल वर्ड इज पीपल, इज योर ऑडियंसेस. एंड एज लॉन्ग एज दे वॉन्ट टू सी यू, तुम्हारा टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, यू नो. सो इट विल कम एज लॉन्ग एज दे वॉन्ट टू सी यू. माई ग्रेटेस्ट थिंग, बड़े पर्दे छोटे पर्दे सबको मिलाकर, हैज बीन दैट आई हैव एन ऑडियंस दैट स्टिल वॉन्ट्स टू सी मी. Of course. And that has been, I think, my greatest sense of achievement in all of this. Galtiyan bhi bahut ki hai maine as an actor. As an actor. The projects I chose or how I saw it through or just the craft, how much of my craft I knew. I think it's a... Sushmita, and to see you again in season 2 of Arya. पास भी 5 सीजन लिखे हुए हैं आर्या. क्या बात है. तो मतलब राम, अब मुझे समझ में आया, आपने जन्मते ही कलम से लिखना शुरू कर दिया था. पांच मतलब इट इज टू मच. अच्छा, मुझे पता है राम, आपके नीस की आज एंगेजमेंट सेरेमनी है. मैं 2 सवालों का जवाब आपसे चाहता हूं, उसके बाद आप एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए निकल सकते हैं.